एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितना पब्लिकेशन चाहिए पोस्ट डॉक के लिए, या कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैं इंडिया में बहुत छोटी जगह से हूँ, बहुत छोटी यूनिवर्सिटी से हूँ, इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या मुझे पोस्ट डॉक मिल पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एक भी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन नहीं है, क्या मुझे पोस्ट डॉक मिलेगा। तो आज बात करते हैं कि आपका पीएचडी प्रोफाइल कैसा रहेगा, कितना होना चाहिए, तो आपको इजीली अब्रॉड में पोस्ट डॉक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैंने मास्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। देन मैंने 1.5 ईयर इंडस्ट्री में काम किया इंडिया में ही। एंड देन आई डिड माई PhD सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ में है, एंड अफिलिएशन था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर मैंने PhD किया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, एरिया का नाम है मेटाबॉलॉमिक्स। सो उसमें मैंने PhD किया एंड देन पोस्ट डॉक के लिए आया। काफ़ी टाइम पोस्ट डॉक में रहने के बाद इंडस्ट्री में मूव कर गया हूँ और बोस्टन में सीनियर साइंटिस्ट हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपका PhD प्रोफाइल कैसा होना चाहिए पोस्ट डॉक करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितने होने चाहिए। तो इन जनरल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना नंबर ऑफ पब्लिकेशन होना चाहिए, बट कोई भी पर्सन अगर आपको हायर कर रहा है, आपने PhD किया है 5 साल स्पेंड करके, तो वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा इस पर्सन का एटलीस्ट 1-2 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है या नहीं है। वो मल्टीपल चीज़ें होती है उसके पीछे। एक तो ये कि अगर आपने काम किया अच्छा से तो उसको पब्लिश किया है कि नहीं, प्लस अगर पब्लिश किए हैं तो आपके पास जो इंग्लिश राइटिंग का या पब्लिकेशन राइटिंग का डाटा का एनालाइज करके उसको कहीं प्रेजेंट करने का या पब्लिकेशन फॉर्म में लाने का, ये सब स्किल आपके पास है। अगर पब्लिकेशन नहीं है तो उसको डाउट हो जाता है कि पता नहीं हमारे लैब में आएगा, रिसर्च करेगा, ये पेपर लिख पाएगा या नहीं पाएगा, या इस तरह इसकी स्किल है कि नहीं है। कॉन्फ्रेंसेस का भी देखते हैं लोग, वर्कशॉप वगैरह का, कि ये सब किया है नहीं, तो उससे वो ओवरऑल स्किल चेक करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पब्लिकेशन लिख पाओगे या नहीं, डाटा कंपाइल करके एनालाइज करके किसी प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन वगैरह, राइटिंग वगैरह, ये सब स्किल है कि नहीं है। बट ये 100% जरूरी नहीं है कि आपका पब्लिकेशन होना ही चाहिए, बट एटलीस्ट हमको लगता है 1 या 2 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन है और अच्छा से आपने काम किया है तो मिल जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो पब्लिकेशन है जिस एरिया में काम किए हो और जिस प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे हो वो कितना मैचिंग है। अगर वो बहुत मैचिंग रहता है और प्रोफेसर को आप अप्रोच करते हो, अच्छे से ईमेल राइट करते हो, अपना इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन देते हो, अगर उसको फील होता है कि नहीं आपने अच्छा काम किया है, आप जानते हो पब्लिकेशन नहीं है, तो भी आपको हायर कर लेगा। तो मल्टीपल फैक्टर होता है, पब्लिकेशन ज़्यादा रहे और इंटरनेशनल पब्लिकेशन रहता है तो एक डायरेक्टली एज ए प्रूफ चला जाता है, यू कैन से लाइक एज प्रूवन बाय पब्लिकेशन। हम लोग कवर लेटर में भी कई बार लिखते हैं कि एज यू कैन सी फ्रॉम माय CV आर प्रूवन बाय हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन, तो उसका एडेड वैल्यू रहता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पब्लिकेशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। काम अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आप जब प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं, कवर लेटर लिख रहे हैं, CV लिख रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी झलकनी चाहिए और आपका नॉलेज दिखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी PhD का रिसर्च, आपकी प्रोफाइल, आपका पब्लिकेशन सब कुछ अच्छा है तो भी पोस्ट डॉक नहीं मिलेगा। कई बार हो जाता है कि राइट प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, या किसी टाइम पे बहुत ओपन पोजीशन नहीं रहती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किस एरिया से हैं आप। सो US में ज़्यादातर अप्लाइड साइंसेज में हैं, या फिर बायोमेडिकल रिसर्च में हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, इस तरह के रिसर्च ज़्यादा है, बेसिक साइंस में कम है। तो कोई अगर पर्सन ड्रग डिस्कवरी में काम किया है, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में काम किया है, या कैंसर थेरेपी में, इम्यूनोलॉजी में, जीन थेरेपी में सब काम किया है, उसका 2 पब्लिकेशन है तो भी उसको मिल जाएगा। बट कोई पर्सन हार्डकोर केमिस्ट्री में काम किया है, उसके पास 10 पब्लिकेशन है, बेसिक केमिस्ट्री में काम किया है, उसको शायद मिलने में ज़्यादा टफ होगा। तो ये सारे फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या आप छोटी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको US में पोस्ट डॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, यूएस में बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली आईआईटीज और सबको जानते हैं, और जो लोग जानते हैं डेफिनेटली वो प्रीफर करते हैं कि आईटी से, आईसर से, इस सारी जगह से उनको हायर करें। बट छोटी जगह से भी आप आते हैं। अगर मैं कहूँ तो जाना आपके इसमें कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी को ज़्यादा नहीं जानता है, बट मैं भी आया हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है, डिग्री पे लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा था। जिस इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया था मैं, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, उसका कहीं नाम नहीं है, तो उसको भी छोटी यूनिवर्सिटी कहेंगे। हमारे दोस्त हैं बहुत सारे ऐसे जगह जो पूर्वांचल से आए हैं या बहुत छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, तो यूनिवर्सिटी का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे। बट अगर डेफिनेटली आईटी से है तो अगर कोई जानता है तो आपको प्रेफरेंस देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका काम और पब्लिकेशन क्वालिटी वाला है या नहीं है। आप अच्छे से अप्रोच कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें उस पर्सन को इम्प्रेस कर पा रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो जब आप कवर लेटर लिखो, सीवी बनाओ और प्रोफेसर को लिख रहे हो, या अपना रिसर्च आइडिया शेयर कर रहे हो, या वो कोई पूछ रहा है, जब डिस्कशन कर रहे हो, तो उसमें आपका नॉलेज, आपकी क्वालिटी, ऐसी चीज़ झलकनी चाहिए। वो नहीं फर्क पड़ेगा कि आप छोटी यूनिवर्सिटी से हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, डेफिनेटली जब यहाँ से पोस्ट डॉक करके लोग जाते हैं तो इंडिया में बहुत काउंट होता है कि अरे यूएस की किस यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक किया हुआ है, ये बहुत काउंट होता है। या इंडिया में ही से पीएचडी किए, इंडिया में दोबारा आप फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत प्रेफरेंस देते हैं लोग कि आईआईटी से है, किसी बिग यूनिवर्सिटी से है। बट यहाँ पोस्ट डॉक पाने के लिए इंडिया से आप छोटी जगह से बड़ी जगह से चलेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कई बार इसका भी असर पड़ता है कि जो प्रोफेसर के साथ आपने पीएचडी किया है, अगर वो बहुत नामी है तो उसका असर काफ़ी पड़ता है। और क्या क्या चीज़ें असर करती हैं अगर पोस्ट डॉक आप के लिए, आपने पीएचडी में बहुत अच्छा काम किया है, आपका अच्छा पब्लिकेशन है, बट अगर आप अच्छा से कवर लेटर लिख नहीं रहे हैं, अगर अच्छा से आपने सीवी नहीं बनाया है, और आप राइट प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो अच्छे क्वालिटी का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे अपना रिसर्च नैरो डाउन करें और टारगेटेड एरिया में जाएं, मीन्स जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसी एरिया के प्रोफेसर को अप्लाई करें। अगर उसके पास पोजीशन नहीं है, बड़ा प्रोफेसर है, तो भी उसको ऐसे ही ईमेल डाल दें। कई बार होता है कि बड़े प्रोफेसर ना एडवर्टाइज नहीं करते हैं, उनके पास ऑलरेडी नेटवर्क से, उनके कनेक्शन से इतना ईमेल आता रहता है, उसी से हायर कर लेते हैं लोग। तो जिस एरिया में हैं आप, उस एरिया से रिलेटेड प्रोफेसर को फाइंड कीजिए, उस एरिया से रिलेटेड जॉब सर्च कीजिए, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। और हमेशा लोग बोलते हैं कि नेटवर्क 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 बहुत फ़ायदा करता है। नेटवर्क का ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज आपका कोई सीनियर, कोई जानने वाला पर्सन आप ही के एरिया का है, और उसके वो बहुत सारे प्रोफेसर को जानता है, तो उससे आप नेटवर्क में रहिए। कई बार क्या होता है, उसको पता होता है इंटरनली कि अच्छा इस प्रोफेसर को कोई पोस्ट डॉक की ज़रूरत है, अच्छा इसके यहाँ से कोई एक पोस्ट डॉक छोड़ के कहीं गया है, तो डेफिनेटली ये नया हायर करेगा। तो उसी टाइम पे अगर वो पर्सन आपकी सीवी फॉरवर्ड कर देगा प्रोफेसर के पास, तो हायर कर लेते हैं लोग। और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, मैं खुद अपने दो तीन दोस्तों का इस तरह कराया हूँ। हमारे ही एरिया से थे, कई बार हुआ, अच्छा उनको जॉब चाहिए, हमको पता चला हमारे प्रोफेसर के पास से कई लोग छोड़ रहे हैं, इसको ज़रूरत होगी, फॉरवर्ड कर दिया राइट टाइम पे। तो ये सब नेटवर्क से फ़ायदा होता है, तो वो भी अप्रोच करना चाहिए। आप लिंक्डइन के थ्रू सीनियर टू सीनियर या एलुमनाई फैक्टर यूज करना चाहिए कि अच्छा कोई बीएचयू से, आईटी से है, उस एरिया से है, तो उसको भी यूज करना चाहिए। तो नेटवर्क का भी काफ़ी असर पड़ता है। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि क्या पीएचडी अवार्डेड होना चाहिए तभी हमको पोस्ट डॉक मिलेगा। 100% तो नहीं है, बट यस काफ़ी सारे केसेस में रहता है कि आपको एक्चुअल जो पोस्ट डॉक अगर पोजीशन मिलेगी तो उसमें अवार्डेड डिग्री होनी ही चाहिए। कई जगह पे वो लोग वो कर देते हैं कि नहीं, आप 6 मंथ या 90 डेज आप काम कर सकते हो, उस बीच में आप डिग्री सबमिट कर देना, तो पोस्ट डॉक की तरह रख लेते हैं लोग, या 6 मंथ 1 ईयर का भी कर देते हैं, तो कहीं कहीं पे हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा हूँ कि अगर इंडिया से कोई भी पर्सन पोस्ट डॉक के लिए आ रहा है तो उसका डिग्री वेरीफाई भी कराते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अवार्डेड नहीं है तो भी पोस्ट डॉक पोजीशन मिल जाती है, बट उस टाइम पे वो लोग एज ए रिसर्च फेलो या कुछ और पोजीशन दे के रखते हैं, एंड देन पीएचडी होने के बाद पोस्ट डॉक फेलो में करते हैं। तो आपको बात करना होता है, कई जगह अलाउड होता है, काफ़ी जगह नहीं अलाउड होता है। अगर आपने सबमिट कर दिया है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट। सो अनदर रिलेटेड क्वेश्चन है,
हमारे सब्सक्राइबर से के थ्रू कि क्या प्लांट साइंस में भी यहाँ पे पोस्ट डॉक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। या डेफिनेटली प्लांट साइंस से भी आपको पोस्ट डॉक मिल सकता है। बहुत बार लोग प्लांट साइंस में काम किए हैं बट टेक्निक के बेसिस पे भी यहाँ पे पोस्ट डॉक करते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से प्लांट साइंस में कंप्लीट किया बट उसको यहाँ पे जॉब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मिली कि वो मेटाबॉलोमिक्स एरिया में किया था, LC-MS, GC-MS, बहुत वैरायटी ऑफ टेक्निक यूज किया था। सो ही कैन डू ऑल्सो इन द कैंसर सेल, सेल लाइंस और सारी चीज़ों में। एंड देन फिर ही स्टार्टेड डूइंग रट बेटर। सो आप शिफ्ट भी कर सकते हो, प्लस प्लांट साइंस में भी काफ़ी पोस्ट डॉक पोजिशन मिलती है। स्पेशली US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, USDA बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारी जो रहती है पैथोलॉजी में, पैरासिटोलॉजी में और प्लांट साइंसेज में काफ़ी पोजिशन उसमें भी रहती है, और तो वहाँ भी आप कर सकते हो। सो अगर समराइज करें कि आपका PhD का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए पोस्ट डॉक के लिए, तो हार्ड कोर कोई फिक्स नहीं है। इन माई टर्म्स, मेरे एक्सपीरियंस में अगर बोलूँ तो आपकी PhD है अच्छे से, अगर आपका दो फर्स्ट ऑथर या को ऑथर पब्लिकेशन है अच्छे इम्पैक्ट में, और आपका किया हुआ काम है, आपकी थेसिस का पार्ट है, और अच्छा से आप CV लिखते बनाते हो और कवर लेटर लिखते हो, राइट एरिया में अप्रोच करो, तो मिल जाना चाहिए। ईजी नहीं होता है कई बार, क्योंकि US में और कहीं भी अब्रॉड में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया से, चाइना से और बहुत सारे अदर कंट्री से भी लोग सेम पोजीशन पे अप्लाई करते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल है थोड़ा उसको और रिफाइन करके ऐसे प्रेजेंट करें कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए अच्छा लगे। तो आपकी कवर लेटर की इंग्लिश वगैरह रिफाइन करना, CV को अच्छे से प्रेजेंट करना और लिखना, जब अगर आपका ईमेल लिख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छे से लिखो। कई बार ईमेल पढ़ते ही लोग नहीं वो करते, नहीं इस पर्सन को नहीं लेना है, तो वो सब फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत कोई क्लियर कट ऐसा नहीं है कि इतने इम्पैक्ट पे ही मिलता है, बट इफ यू हैव ए नॉलेज, इफ यू हैव सम पब्लिकेशन, राइट एरिया में अप्रोच कर रहे हैं, यू कैन गेट पोस्ट ऑफ पोजिशन। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड होप यू विल शेयर विद समवन, व्हाट्सएप के थ्रू किसी को शेयर भी कीजिए, दैट विल हेल्प पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।